हेलो एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज़, आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं सेल चार्जर। तो गाइज़, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे बैटरी है गाइज़, तो इसका नंबर है गाइज़ 18650। एक मिनट, तो देखिए गाइज़, यहाँ पे इसका नंबर है गाइज़ 18650 और इसका वोल्ट है गाइज़ 3.7 वोल्ट और उसका कैपेसिटी है गाइज़ 2600 mAh की। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास बैटरीज है और इसे हम चार्ज करने वाले हैं। तो किस तरीके से करते हैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और गाइस, आपको कोई मॉड्यूल वगैरह खरीदने की ज़रूरत नहीं है गाइस, आपके पास कोई ना कोई पावर बैंक होगा ही, तो उसका हम चार्जर बना सकते हैं गाइस। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो जैसे कि गाइस, हमारे पास यहाँ पे इतने सारे मॉड्यूल है गाइस, तो इतने सारे मॉड्यूल का गाइस एक एक मॉड्यूल लेके हम इसका चार्जर बनाने वाले हैं। तो जैसे कि मेरे पास यहाँ पे ग्राफिक वाला यहाँ पे मॉड्यूल है गाइस, यहाँ पे कैपेसिटी दिखती है गाइस इस मॉड्यूल में, तो ये बताने वाला हूँ इसमें लगा के। तो एकदम इजी है गाइस, जिस तरीके से इसमें सेल लगे होते हैं गाइस, उस तरीके से गाइस यहाँ पे जो है ये मार्केट से खरीद के लाना है गाइस यहाँ पे केस, और ये मिलता है गाइस 20 रुपये में। ठीक है, तो इस तरीके से लाना है और इसे हम लगा देंगे यहाँ पे। तो पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पे लिखा हुआ है गाइस, यहाँ पे हम लगा देंगे। तो देखिए गाइस, इस तरीके से गाइस यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव लग चुका है गाइस। अब इसे चार्ज करने के लिए गाइस यहाँ पे हम कोई भी एक बैटरी ले लेंगे हम। तो ये बैटरी मैं इस तरीके से लगा दूंगा यहाँ पे, एकदम परफेक्टली लग जाती है इसमें बैटरी, और इसमें इस तरीके से रीडिंग आ जाएगी 83% यहाँ पे बैटरी है गाइस। ठीक है, तो गाइस अब इसे चार्ज करेंगे। तो देखिए गाइस, यहाँ पे हम बैटरी लगा दिए और गाइस अभी सिर्फ यहाँ पे हम चार्जर लगा देने का कुछ इस तरीके से, और चार्जर लगाते ही यहाँ पे रीडिंग चालू हो जाएगी और ये चार्ज होना चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से गाइस हम बना सकते हैं यहाँ पे चार्जर। तो वीडियो कैसा लगा गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू गाइस।